तो गाइस ये हमारा बर्गर की मेकिंग स्टार्ट हो गई है, फ्राई हो रहा है अभी बर्गर, और देख सकते हैं आप कितना टेम्प्टिंग लग रहा है बनने से पहले। तो गाइस अब हमारी टिक्की फ्राई हो रही है। तो गाइस जो कि ये बर्गर है, इसकी कॉस्ट जो बताई है वो 30 रुपये कॉस्ट है, जो कि एक तरह से जेन्युइन प्राइस है। इसके साइज़ के हिसाब से आप वहाँ पे और भी बर्गर देख सकते हैं, जिसके आप इनके बर्गर का साइज़ देखेंगे तो इसमें जो थिक जो टिक्की है वो लगाई गई है। तो गाइस ये ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है, वो तो पसंद है, तरुण भाई को भी पसंद है क्रिस्पी बर्गर। और गाइस अब सर इसमें बीच में से हाफ़ कर देना है इसको, और गाइस यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स और हैं, चाउमीन वगैरह, आप कुछ स्वीट्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो, और गाइस यहाँ पे इमरती जलेबी सब मिल सकती है। मगर हम फ़िलहाल यहाँ पे बर्गर की टेस्टिंग करने आए हैं। गाइस हरी चटनी आ गई है, थोड़ा नमक मसाले वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो गाइस अब टिक्की इसमें लगाई जा रही है, टमाटर की, प्याज। गाइस आपको किस तरह का बर्गर पसंद है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस हमारा बर्गर लगभग बन चुका है, और गाइस यहाँ पे आप पनीर का पीस देख सकते हैं जो अब ये यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस डबल ट्रिपल पनीर डाला हुआ है गाइस, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है ये बर्गर। गाइस ये आ गई म्यूनिस, ओ भाई ये है इस बर्गर की शान। तो गाइस यही लग रही है म्यूनिस, ये क्या है सर? नमकीन। तो गाइस ये नमकीन भी डाल दी है, ये थोड़ा स्पेशल बर्गर लग रहा है मेरे को। तो गाइस अब बीच में से इसकी कटिंग होने वाली है। हाँ कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए। तो गाइस कटिंग होने के बाद ये तो और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो गई। एक तो ये गाइस लार्ज बर्गर है, तो इसी चक्कर में बर्गर खराब हो गया, कोई बात नहीं, लार्ज बर्गर है ना इसीलिए। तो गाइस आपको बर्गर के साथ कौन सी चटनी अच्छी लगती है आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गोलगप्पे मिल सकते हैं, बल्ले पापड़ी, सब कुछ यहाँ पे गाइस दे रखा है। और गाइस आपको इसका एड्रेस स्क्रीन पे दिख जाएगा, और म्यूनिस पनीर वगैरह डाला हुआ है। तो गाइस सबसे पहले ट्राई करेंगे ऊपर होता ना गाइस। रेड चटनी के साथ गाइस इस बर्गर की जो क्वालिटी है ना वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, आपका एक बर्गर से पेट भर सकता है। भाई 30 रुपये में आपको सबसे बढ़िया चीज़ ही मिलेगी। प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो चटनीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ अभी पूरा बर्गर खा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो भाई आप तरुण हैं वो इसको रिव्यू करेंगे, कह रहे थे कि बहुत अमेजिंग है और टेस्टिंग करके देखते हैं अपन, वो तो कहीं भी नहीं है। तो कैसा लगा तरुण? बढ़िया। कौन सी चटनी ज़्यादा अच्छी लग रही है? रेड वाली। रेड वाली अच्छी है। तो गाइस तरुण को तो रेड वाली अच्छी लगी, मेरे को ग्रीन वाली ज़्यादा अच्छी लगी जेन्युइनली। आपको बर्गर के साथ कौन सी अच्छी लगती है वो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और गाइस ये जो बर्गर है आप एक बार, मैं जब जूम कर लेता हूँ, देखिए गाइस बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, आपका एक ही बर्गर से पेट भर सकता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन कॉस्ट है इसकी। और गाइस आप इस एरिया के आसपास रहते देवली में तो ये आपके लिए बेस्ट पड़ सकता है।